بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج بتاريخ 22 أغسطس 2021 بروز إتوار كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى کی کتاب الطهارة میں باب إزالة النجاسة وبيانها سے متعلق آج کا یہ درس ہے اور کل کے درس میں نجاست کا معنی اور مفہوم اور اس کی قسمیں بیان کی گئی کہ نجاست کسے کہتے ہیں کیا چیز ہے نجاست باب جو قائم کیا ہے مؤلف نے وہ کیا ہے بابو ازالت النجاستی ازالت النجاستی نجاست کو دور کرنا زائل کرنا ختم کرنا باب ازالت النجاسہ نجاست کو دور کرنے کے بیان میں یہ باب ہے وبیانہا اس کا معنی کیا ہے اور اس کا بیان اور اس کا بیان کس کا بیان اور اس کا بیان اس کا بیان سے کیا کہنا چاہتے ہیں نجاست کا بیان ہوگا کہ کیا چیزیں نجس ہیں اور یہ بیان کیا جائے گا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے گا اس کے ازالہ کا بیان ہوگا تو نجاست کا بھی بیان اور نجاست کو دور کرنے کا بھی بیان اس باب کے اندر متعدد احادیث کی روشنی میں مؤلف کرنا چاہتے ہیں یہ ہے معنی اس باب کا نجاست جو کی دور کرنی ہے اپنے بدن سے اپنے کپڑے سے اور کہاں سے جہاں نماز ادا کرنی ہے اس جگہ سے دور کرنی ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی اس لیے اس کو دور کرنا ہے نجاست کو کیوں دور کیا جاتا ہے کیا چیز ہے نجاست کے اندر اس کو دور کرنا کیوں ضروری ہے نجاست یعنی ناپاکی ہم سب کو یہ معلوم ہے بخوبی شریعت اگر کسی چیز سے منع کرتی ہے تو کیوں منع کرتی ہے بلا وجہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے جو انسان کی زندگی سے متعلق ہے خواہ وہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں کوئی نہ کوئی اہم فائدہ اس منع کے پیچھے ضرور رہتا ہے تو کیا اہم فائدہ نجاست کو دور کرنے سے متعلق ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکتا ہے کوئی ہے فائدہ ٹھیک بے شک کہیے کوئی اہم فائدہ اس کا جی پاکی ہے لیکن نجاست کو دور کرنا
ज़रूरी है, नजासत नहीं रहनी चाहिए, यानी शरीयत मना करती है ना नजासत से। बिल्कुल, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद करता है, पाक चीज़ों यानी पाक बातों को, पाक अकीदे को, पाक अमल को, पाक अखलाक और किरदार को। वो ख़ुद पाक है और पाकीज़ा चीज़ों का हुक्म देता है और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद करता है। ऐसे ही तो है कि नहीं? अल्लाह पाक है कि नहीं? अल्लाह हर ऐब और हर नक्स से पाक है, हर ऐब और हर कमी से पाक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है। सुभान उसब्बिहु सुभाना, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। वो पाक हर तरह के ऐब से, हर तरह की कमी और नक्स से। वो कमालात और खूबियों वाली ज़ात है, हर तरह की खूबियाँ, हर तरह के कमालात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के अंदर और उसके अफ़ाल और सिफ़ात के अंदर पाई जाती हैं। जो आला तरीन खूबियाँ पाई जाएं, वो हमारे रब की ज़ात और उसके सिफ़ात और उसके अफ़ाल के अंदर पाई जाती हैं। तो खूबियाँ रब पसंद करता है, कमियों को नहीं पसंद करता, नक्स को पसंद नहीं करता। एक बात तो ये हो गई। और नजासत अच्छाई है या बुराई, कमी है या कमाल वाली चीज़ है, क्यों आला दर्जे का इंसान है, क्यों क्यों नापाक रहता है, वे कूड़ा और कबाड़, ये किसको पसंद आते हैं? जो आला दर्जे का इंसान हो नहीं पसंद कर सकता। एक बात तो यह है। दूसरी बात इस ताल्लुक़ से यह है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं नुकसान की चीज़ पाई जाती है, कहीं ना कहीं नुकसान की कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है नुकसान। तो क्या नजासत में भी नुकसान पाया जाता है? नजासत में भी नुकसान है? जो इस मैदान से जुड़े हुए लोग हैं, माहिरीन हैं, उनका अपना बयान ये है कि नजासत के ज़रिए से, यानी नजासत को छू करके जो हवाएं आगे बढ़ती हैं, तो नजासत के जहर को, नजासत के अंदर पाए जाने वाले जहर को, जो कि बहुत हल्का होता है, उस जहर को लेकर के हवाएं आगे बढ़ जाती हैं और जिस्म के अंदर मौजूद जो खलाया हैं, जो बारीक बारीक रास्ते हैं, सुराख हैं जिस्म के हिस्सों के अंदर, हाथों में आप देख लें, पैरों में देख लें,
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आप देखें बाल निकलते हैं, सुराख तो ना निकलता है, काम करते हैं तो पसीने उन्हीं सुराखों से निकलते हैं। तो हमारे उस गंदगी को लेकर के और गंदगी में पाए जाने वाले जहर को लेकर के जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं। हवाएं बहुत लतीफ़ मादा है, अगर साफ सुथरा माहौल है तो साफ सुथरी चीज़ें लेकर के वो अंदर जाती हैं। पाकीज़ा माहौल है तो हवाएं उन पाकीज़ा चीज़ों को लेकर के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं, और अगर गंदगी का माहौल है तो उन चीज़ों को लिए वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती हैं और उसको नुकसान पहुंचा देती हैं। तो अब जहां नजासत लगी हुई है वहां हवा आएगी कि नहीं? हवा को रोक सकते? तो हवा उस नजिस चीज के अंदर पाई जाने वाली उस जहर को अंदर दाखिल करने में कामयाब हो जाती है, जो इंसान के लिए नुकसान का ज़रिया और सबब बन सकता है, बहुत सारे मुश्किलात का ज़रिया और सबब बन सकता है। ख़ाह वो एक दिन में वो नुकसान सामने आए या कुछ अरसा बीत जाने के बाद वो नुकसानात उसकी ज़िंदगी में सामने आए। इसलिए शरीयत क्या करती है, ऐसी नजिस और नुकसानदेह चीज़ को जिस्म से फौरी तौर पर दूर कर देने का हुक्म देती है, ताकि हवा जब वहाँ आए, हवा जब टकराए तो साफ सुथरी हवा अंदर जाए, जिस्म के अंदर दाखिल हो, जिस्म के तमाम हिस्सों में जहाँ नजासत लगी है और जहाँ नजासत नहीं लगी है, नजासत को जब आप धुल देंगे, हटा देंगे उसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जो चीज़ जाएगी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ जाएगी और इंसान उससे फ़ायदा उठाएगा। उस हवा के ज़रिए से साफ सुथरी हवा जो आएगी उससे वो अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को कामयाब बना सकेगा। तो ये कुछ ऐसे भी फ़ायदे हैं जो माहिरीन इन फ़वाइद को समझ सकते हैं, और अगर इसका एहतमाम हम ना करें तो उसके नुकसानात से हम दो चार हो सकते हैं। तो शरीयत के हर काम में मसलहत हुआ करती है, वो यूं ही किसी चीज़ से मना नहीं करती, वो ऐसी चीज़ों से मना करती है जिसका दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर नुकसान जाहिर हो, नुकसानात उसके अंदर पाए जाते हैं और बकसरत नुकसानात उसके अंदर होते हैं। इस बुनियाद पर शरीयत ऐसी चीज़ों को मना करती है। तो नजिस चीज़ों को, नजासत वाली चीज़ों को अपने से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं। बाबू इज़ालत नजासा व बयानिहा के अंदर मुअल्लिफ़ ने सबसे पहली हदीस जो नोट की है वो हदीस है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا تتخذ خلا فقال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अनिल खम्र, शराब के बारे में। क्या पूछा गया शराब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? क्या पूछा गया? तुत्तखदु खल्लन, खल के माने होते हैं सिरका, खल के माने, खल के माने सिरका।
तो सवाल ये आया कि क्या शराब का सिरका बनाया जाए, तो तखादो खलन सिरका बनाया जाए, सिरका बनाया जाए, सिरका बनाना हराम है? आपने कहा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। सिरका बनाना जायज़ है या हराम? सिरका खा सकते, खा सकते हैं? सिरका समझते हैं कि नहीं? खट्टा खट्टा रहता है, है? क्या बोलते हैं, विनेगर? अच्छा, तो खल, खल को सिरका कहते हैं, आप लोगों ने कहा विनेगर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या शराब का सिरका बना सकते हैं, विनेगर बना सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। सिरका खाना जायज़ है या नहीं? ये हदीस है, निमल इदामुल खल्लु, निमल इदामुल खल्लु। इदाम सालन को कहते हैं, सालन तो समझते हैं, बेहतरीन सालन, सालन रोटी के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, पाव के साथ खाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन सालन क्या है? खल, विनेजर, सिरका, बेहतरीन सालन, बेहतरीन सालन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बेहतरीन सालन कहा। तो क्या कहेंगे, सिरका खाना जायज़ है या नहीं है? क्या कहेंगे, कितने लोग कहते हैं कि जायज़ है? जायज़। कितने लोग कहते हैं नाजायज़ है? कितने लोगों के यहाँ तफसील है? तफसील वाला जवाब गलत, तफसील वाला जवाब, गरचे आपकी अक्सरियत तफसील की तरफ गई लेकिन वो जवाब सही नहीं है। चीज़ों में असल इबाहत और तहारत है, चीज़ों में असल क्या है, वो खाने वाली चीज़ें हों, पीने वाली चीज़ें हों, इस्तेमाल वाली चीज़ें हों, दुनियावी चीज़ों में असल क्या है, इबाहत, इबाहत है, इसी से है मुबाह, इसे वो कहते हैं मुबाह यानी जायज़। तो दुनियावी चीज़ों में असल क्या है, जवाज, दुनियावी चीज़ों में असल क्या है, जवाज, जायज़ है दुनियावी चीज़ों में असल, जवाज यानी अगर हमें किसी चीज़ का मसला नहीं मालूम है और वो दुनियावी चीज़ों से उसका ताल्लुक़ है तो हम उसको क्या समझें, जायज़। यानी क़ुरान और अहादीस के नुसूस में उसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता तो उसको हम क्या समझेंगे, जायज़। पंखे की हवा खाना, लाइट की रोशनी लेना, फ्लाइट से सफ़र करना, माइक में बोलना, ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, ये सब, चाय पीना तो जिन चीज़ों का ज़िक्र हुर्मत के बाब में ना मिल सके, यानी शरीयत ने जिन चीज़ों को हराम किया हुआ है, उन हराम करदा चीज़ों में अगर किसी चीज़ का ज़िक्र हमें ना मिल सके
दुनियावी चीज़ों से उसका ताल्लुक़ हो तो उसको हम क्या माने, जायज़ माने, उसे सही और दुरुस्त माने। जब तक कि कोई चीज़ हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में उसकी हुरमत का न मिल जाए। सिरका भी उन्हीं दुनियावी चीज़ों में से एक है, सिरका भी उन्हीं चीज़ों में से एक है, यानी हम उसे खा सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो ऐसे ऐसे खाने लोगों ने आज के दौर में निकाले हैं जो पहले के लोगों के यहाँ मौजूद ही नहीं था। एक तरफ से आप नाम लेते चले जाएं, एक मुर्गी के ज़रिए से न मालूम कितने कितने आइटम्स लोग तैयार करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ज़िक्र उसका नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उसको जायज़ और हलाल समझना है, क्योंकि हराम चीज़ों में उसका कहीं शुमार नहीं। तो सिरका भी उन्हीं चीज़ों में से एक, सिरका भी उन्हीं चीज़ों में से एक, वो जायज़ और हलाल और दुरुस्त है बिला किसी शक और शुबहे के। फिर हदीस में किस चीज़ का बयान है? हदीस में एक ख़ास मौजू से मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, एक ख़ास मौजू से मुतालिक, और ख़ास मौजू जो है वो शराब से मुतालिक है। ख़ास जो मौजू है वो शराब से मुतालिक है, सिरके से मुतालिक नहीं है। यानी सिरका हमारा मौजू नहीं है, शराब मौजू है, शराब के बारे में पूछा जा रहा है। सिरका तो जायज़ ही है इसीलिए तो पूछा जा रहा है, सिरका जायज़ है इसीलिए तो पूछा जा रहा है, यानी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको बेहतर समझते हैं। तो अगर इस रास्ते से वो चीज़ तैयार हो तो ऐसा करने का क्या हुक्म है? सवाल दरअसल शराब के बारे में है, ना कि सिरके के बारे में, कि शराब का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, शराब को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं। अब एक है डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करना और एक होता है इनडायरेक्ट इस्तेमाल करना। तो डायरेक्ट तो मना ही आ गया, उसकी हुरमत का ऐलान हो गया कि शराब हराम है, और शराब की हुरमत का ऐलान जैसे ही सहाबा के कानों से टकराया, बिला किसी झिझक के तरद्दुद के उसी वक्त सारे साहबा ने खबर सुनते ही जिनके पास जो भी शराब था सब उन्होंने उड़ेल दिया, गिरा दिया, उसको फेंक दिया, उन्होंने उसे फेंक दिया, हराम है उसे फेंक दिया उसी वक्त। किसी ने पलट करके उस खबर के बारे में कि आया ये खबर सही है या खबर सही नहीं है, ये जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सहाबा अदूल थे, सच्चे थे, उनके यहाँ झूठ नहीं पाया जाता था। तो उनकी तरफ से आई हुई खबरों को सही और दुरुस्त माना जाता था। जो ही कान तक मुनादी की आवाज़ टकराई, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद बयान करते हैं कि मैं शराब अबू तलहा के घर के अंदर लोगों को पिला रहा था, सहाबा को मैं पिला रहा था, और उस वक्त मुनादी की आवाज़ आई तो क्लियर तौर पर वो आवाज़ जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंची कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दे दिया है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अहरिक़हा, उसे गिरा दो, उसे गिरा दो। तो शराब की हुरमत में कोई शक और कोई शुबहा नहीं है, हुरमत के ऐलान के साथ साथ सहाबा ने उसे फेंक दिया।
एक सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मुनासिबत से पूछा गया कि अगर शराब को डायरेक्ट तौर पर तो हराम है, उसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन अगर शराब को चेंज कर दिया जाए और चेंज हो करके वो सिरके की शक्ल इख्तियार कर ले जो कि हलाल और जायज़ है, तो क्या उस सिरके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? सवाल उस सिरके को इस्तेमाल करने से मुताल्लिक नहीं, उससे पहले वो अमल जो शराब से सिरके के दरमियान का जो सफ़र है उसके बारे में सवाल है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं। यानी शराब के अमल से सिरके के अमल तक के बीच का जो सफ़र है वो हम तय कर सकते हैं या नहीं। यानी चेंजिंग का ये जो अमल है तो क्या हम चेंज कर सकते हैं उसे? जाहिर सी बात है कि होता है, कुछ चीज़ें आप डाल दें तो एक चीज़ अपनी हैसियत को बदल देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें कुछ डाल दें तो हैसियत चेंज हो जाती है, पहले किसी और हैसियत में था बाद में किसी और हैसियत में हो गया। भाई दूध के अंदर अगर आप कुछ खट्टा या पता नहीं क्या चीज़ मिला दें तो दही बन जाता है, हैसियत चेंज हो गया कि नहीं। तो ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घी कैसे तैयार होता है, दूध से, तो कुछ काम करते हैं और उसके बाद वो घी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसी तरीके से शराब के अंदर अगर कुछ अमल किया जाए तो करने के बाद उसकी शक्ल जो बनेगी उसी सिरके की हो जाएगी, यानी उसमें नशा नाम की चीज़ नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी सब। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, सवाल उस अमल के बारे में था, सवाल किस चीज़ के बारे में है? शराब को सिरके में तब्दील करना, शराब को सिरके की हालत में लाना, सवाल इसके बारे में है, सिरके के जायज़ होने या नाजायज़ होने के बारे में नहीं है, सिरके के हलाल होने या हराम होने के बारे में नहीं है। इस चीज़ को हमें जहन में रखना होगा, यह शराब के हलाल और हराम होने के बारे में ये सवाल नहीं है, ये सवाल सिर्फ ये है कि ये शराब है और ये सिरका है, तो क्या शराब को हम सिरका बना सकते हैं? ये असल सवाल था। जवाब क्या दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं। जवाब दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नहीं। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई कि शराब को किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, शराब को किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना तो डायरेक्ट यानी शराब की हालत में वो है, उस हालत में भी उसका इस्तेमाल सही नहीं, और ना ही उसके चेंज करने का अमल सही है, ना ही उसके चेंजिंग का अमल सही है ताकि वो इनडायरेक्ट हो जाए। क्या सवाल ये भी किया गया कि अगर किसी वजह से शराब सिरके में चेंज हो जाए या कोई शख्स चेंज कर दे तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते या नहीं? क्या इसके बारे में भी सवाल है? नहीं समझ पाया। सवाल किस चीज़ के बारे में है? शराब के बारे में सवाल है कि क्या शराब को चेंज करके सिरका बना सकते हैं या नहीं। शराब को चेंज करके सिरका बना सकते हैं या नहीं, सवाल इसके बारे में नहीं है कि अगर शराब से चेंज करके सिरका बना लिया गया है तो उस सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। बात क्लियर हो रही है? सवाल इसके बारे में नहीं किया गया है कि अगर
शराब को सिरका बना दिया गया हो तो उस सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या अज खुद अगर शराब सिरके में चेंज हो जाए तो उस सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, है इसके बारे में सवाल? नहीं है ना, इसके बारे में सवाल किया गया? सवाल को हमें क्लियर समझना होगा, नहीं तो मसले को खलत मलत हम कर देते हैं, मसलों को हम एक दूसरे में खलत मलत कर देते हैं। तो जो सवाल है वो सिर्फ एक चीज के बारे में है, शराब को सिरका बनाना ये अमल कैसा है, शराब को सिरका बनाने का अमल कैसा है, ये अमल नाजायज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। अब अगर कोई भी शख्स जिसके पास शराब हो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि उस काम के करने से शराब चेंज हो करके सिरके में या किसी दूसरे हलाल चीज में बदल जाए, वो नहीं कर सकता ऐसा काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो मैंने सवाल किया था उस पर गौर करना है, अगर अज खुद वो शराब सिरके में चेंज हो जाए, सूरज और चांद, धूप और साया, हवा, पानी, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कुछ चेंजिंग आता है माहौल के अंदर तो उससे सामान के ऊपर असर पड़ता है, तो मुमकिन है इन चीजों की वजह से शराब के ऊपर भी कुछ असरात आए और चेंजिंग उसके अंदर हो जाए और उसका नशा जाता रहे और उस सिरके में बदल जाए। तो रब की जो हवाएं चल रही हैं रब की तरफ से, या सूरज और चांद का मामला, या धूप और साये का मामला जो आता रहता है दिन और रात के अंदर, तो इनकी चेंजिंग की वजह से अगर उसके ऊपर भी चेंजिंग हो जाए, शराब के अंदर भी उसकी माहियत के अंदर चेंजिंग हो जाए और कल तक वो शराब था आज वो सिरका हो गया है, तो क्या इस बुनियाद पर कि कल वो शराब था आज वो सिरके की हालत में है वो हमारे लिए जायज है या हराम, ये असल सवाल है। एक सवाल तो ये हुआ, दूसरा सवाल ये है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसे मना किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन किसी दूसरे शख्स ने ऐसा किया, जिसे किसी काफिर शख्स ने किया, किसी मुशरिक शख्स ने ऐसा किया कि शराब को उसने सिरके में चेंज कर दिया, तो अब अगर हमें पता चले कि इसको चेंज करके और सिरका बनाया गया है तो क्या उस सिरके को हम इस्तेमाल कर सकते, वो जायज है उसका हुक्म, या अब भी उसका हुक्म वही है जो कल तक शराब की हालत में होने की वजह से था? दोनों सवालों में कुछ फर्क है, क्लियर है ना? चलिए, जवाब अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। पहले हदीस के अंदर जो लफ्ज आया हुआ है पहले उसका मफहूम हम ले लें कि मफहूम क्या है उसका। तो हदीस के अंदर आया हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खम्र के बारे में पूछा गया और मैंने बताया कि खम्र शराब को कहते हैं। मैं अरबी ज़ुबान के एतबार से खम्र की थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि हर शख्स ये सोच सकता है कि शराब को रब्बे करीम ने हराम करार दिया है तो कोई ना कोई वजह तो उसके अंदर होगी उसके हराम होने की, तो इस लफ्ज़ के अंदर भी वो वजह हमारे समझ में आ सकती है, लफ्ज़ खम्र के अंदर भी वो वजह मौजूद है। तो खम्र का क्या माना है? कहते हैं कुल्लु मा खामर अल अक्ल, खामर अल अक्ला या खम्र अल अक्ला, तो खामर अल अक्ला या खम्र अल अक्ला का मतलब हुआ अत्तगतियतु वस्सित्र, अत्तगतियतु वस्सित्र,
इसी से है गिता, गिता माने ढक्कन। गत्ताहु वस्तरहु, ढक दिया है, छिपा दिया है, ढक लिया छिपा दिया। कोई भी चीज दूसरे को ढक दे, उसे छिपा ले, तो उसके लिए ये कलिमा इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्ल को जो चीज ढक देती है, अक्ल को जो चीज छिपा देती है, उसे शराब कहा जाता है। अक्ल को ढक देना, भाई आपने ऊपर से जब कोई चीज रख दी तो ढक गया, तो उस अक्ल के ऊपर जब शराब का मादा जाता है तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, अक्ल को ढांक लेती है वो, अक्ल को छिपा देती है। तो ये खमर का माना, हर वो चीज जो दूसरे को छिपा ले, इसके अंदर ये मफहूम आता है। छिपाने का और ढांक देने का मादा इसके अंदर पाया जाता है। अक्ल अल्लाह ने किस लिए बनाई? हाँ? सही गलत को जानने के लिए, सही और गलत को समझने के लिए। और जब सही और गलत को जानने और समझने के लिए जो आला अल्लाह ने हमें दिया है, वो आला ही आपका बेकार कर दिया जाए, वो अपना काम करना बंद कर दे, उसे ढक दिया जाए, उसे छिपा दिया जाए, तो फिर उस इंसान के अंदर क्या चीज़ बचेगी जिसके ज़रिए से वो सही को सही समझ सके और गलत को गलत समझ सके? क्या चीज़ बचेगी? कुछ नहीं बचेगा। गोया कि हर बुराई या हर अच्छाई उसकी निगाह में एक जैसी हो जाएगी। तमीज़ नाम की चीज़ उस शख्स के अंदर ख़त्म हो सकती है। अच्छा, छिपाना भी कई दर्जे का होता है। कोई मोटा पर्दा हो सकता है, कोई पतला पर्दा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उस छिपाने के हैसियत में ज़्यादती आ सकती है कि पूरे तौर पर गायब कर दिया, यह मामूली तौर पर उसके अंदर फतूर आया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल इंसान को नशे में ले आता है तो मामूली इस्तेमाल भी वो हराम हो जाएगा, क्योंकि आप उस गलती के रास्ते पर अपने आप को डाल चुके हैं। थोड़ी चीज़ आपने अगर ले ली है तो ज़्यादा लेना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं रही। तो आप थोड़ा सा होश में हैं, थोड़ा सा बेहोशी में चले गए, एक वक्त ऐसा भी आएगा आपके ऊपर कि आप मुकम्मल तौर से गायब हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप किसी और दुनिया के अंदर अपने आप को पाएंगे। वो शख्स रोड पर पड़ा हुआ है या किसी कबाड़ वाली जगह के अंदर पड़ा हुआ है या किसी महल के अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने पी करके अपने अक्ल को ठिकाने लगा दिया तो ये खम्र यही काम करता है। ये जो अटैक खम्र की तरफ से होता है सीधे अक्ल पर होता है, सीधे अक्ल पर। तमीज़ करने की जो सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल के ज़रिए से अहले अक्ल को दी हुई है, अहले अक्ल को अता की हुई है, उसी पर ही अटैक करता है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है खम्र को, उम्मुल खबाइस,
उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की जड़। अब इससे समझ सकते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ कैसे हो गई है। जब इंसान के पास तमीज़ की सलाहियत ही नहीं बचेगी तो कौन सी बुराई बुराई रहेगी उसकी निगाह में? वो ना बुराई को बुराई समझ सकता है, ना अच्छाई को अच्छाई समझ सकता। सारी चीज़ें उसकी अक्ल में एक जैसी नजर आ सकती हैं। शरीयत ने इसीलिए मना किया है। किस चीज़ से? खमर से। तो ये माना खमर का है। खमर का माना क्या हुआ? खमर माने शराब, खमर माने शराब। तो ये शराब क्या चीज़ है? ये इंसान के अक्ल को ढाक देती है, छिपा देती है। इसीलिए इस्लाम अपने मानने वालों को पांच चीज़ों का तहफ़ुज़ देता है। पांच चीज़ों का, पांच चीज़ों पर अटैक किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। क्या है वो पांच चीज़ें? हाँ, दीन, ठीक है, और कुछ? माशाल्लाह, सही। उन्हीं में से एक अक्ल भी है, उन्हीं पांच में से एक अक्ल भी है। हाँ, कुछ आप कह रहे हैं? अक्ल तो उसमें से आएगा ही, उसी मुनासबत से बात निकली है। दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत और आबरू की हिफाजत, और एक जो आप सब अभी पढ़े हैं, क्या है वो? अक्ल की हिफाजत। कितनी हो गए? फिर से ज़रा बताएंगे। देख के नहीं, देख के नहीं, देख के नहीं, देख के नहीं। हाँ अशरफ साहब जी, हाँ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये हैं पांच चीज़ें कि शरीयत अपने अहकाम के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने के लिए पांच चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में फराहम करने की कोशिश करती है, जिससे इंसान की ज़िंदगी में सआदत और ख़ुशी और मसर्रत बाकी रह सके। ये इन पांच चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही मुमकिन है, और हर हाल में इनका तहफ़्फ़ुज़ शरीयत करती है। दीन, जान, माल, इज्जत। इज्जत से मुराद क्या? चलिए तफसील जाने दीजिए। इज्जत और अक्ल, पांच चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़। उन्हीं में से आज की हदीस में एक चीज़ का बयान आया हुआ है। मना कर दिया शराब से। हर वो चीज़ जो इन पांचों में से किसी को अटैक करेगा, शरीयत क्या करती है? मना कर देती है। इन पांचों में से किसी एक को अटैक करेगा, शरीयत उससे मना कर देगी। जान का ख़तरा मना कर देगी, माल का ख़तरा मना कर देगी, इज्जत का ख़तरा मना कर देती है, अक्ल का ख़तरा मना कर देती है। शरीयत किसी भी हाल में ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं दे सकती जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन चीज़ों पर ख़तरे का ज़रिया और सबब बन सके। इसीलिए कहा, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन, कि फहश चीज़ों के करीब न जाओ। वो फहश चीज़ें चाहे ज़ाहिर में हों या छिपी हों। और कहा करीब न जाओ, ये नहीं कहा कि फहश चीज़ें ना करो, कहा फहश चीज़ों के करीब न जाओ, यानी फहश काम भी ना करो, फहश बात भी ना करो, और वो चीज़ें जो फहश बात और काम की तरफ ले जाने का ज़रिया बन रही हैं उन चीज़ों को भी ना अपनाओ। यानी वो चीज़ें तो हराम ही हैं, और जो चीज़ें उन तक ज़रिया बन सकती हैं उन ज़रियों को भी हराम कर दिया। यानी वो अमल तो हराम ही है, जैसे झूठ हराम ही है, लेकिन अगर कोई चीज़ उस तक ज़रिया बन रही है उस हराम का,
तो उस जरिए को भी हराम कर दिया। अगर कोई शख्स शराब लेता है, खरीदता है, बेचता है, बनाता है, कुछ करता है, ये अमल क्या है? हराम है। अगर कोई चीज इसके लिए जरिया और सबब बन नहीं, उसको भी हराम कर देती है शरीयत। इसीलिए फुकहा ने एक मिसाल दिया कि अंगूर जिसे शराब बनाया जाता है, अगर बेचने वाले शख्स को ये मालूम हो जाए कि ये अंगूर हमसे जो खरीदा जा रहा है, खरीदने के पीछे मकसद क्या है कि वो शराब बनाएगा, वो फैक्ट्री वाला आया है और पूरा माल लेना चाहता है और अच्छे दाम दे रहा है, हमें पता चल चुका है कि वो किस लिए ले जाएगा, शराब बनाने के लिए, तो क्या हम बेच सकते? रब ने कहा वाला तकरबुल फवाहिश, करीब नहीं जाना, यानी हर जरिया जो उस तक पहुंचाने का सबब बन रहा हो उसको नहीं करना। तो क्या ऐसे शख्स के हाथ से अंगूर बेच सकते? अंगूर बेचना जायज़ है, अंगूर खाना जायज़ है, लेकिन अब नहीं बेच सकते। तो ये तो एक मिसाल है। बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं कि वो फी नफ्स ही उसका लेना देना खरीदना बेचना जायज़ है, लेकिन अगर वो ज़रिया बनना है किसी बातिल का, ज़रिया बनना है किसी बिदात का, ज़रिया बनना है किसी शिर्क का, किसी कुफ्र का, किसी गुनाह का, जायज़ होगा? हराम। तो हर वो चीज़ जो इन पांचों में से किसी एक के लिए ज़रिया और सबब बने, तो ऐसे सारे ज़राए को चौतरफा शरीयत ने हदबंदी कर दी है ताकि वो महफूज रहे। ये सारी की सारी चीज़ें महफूज रहे। मदीनों को महफूज करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुदवाया था? खंदक खुदवा दिया था ताकि मदीना के लोग सेफ रहें। तो हर वो ज़रिया इस्तेमाल करना है कि जिससे शर को दूर किया जा सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। और वक्त पूरा हो चुका है, मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। कुछ और बातें हैं, इंशाल्लाह आने वाले दर्स के अंदर इसको ज़िक्र की जाएंगी। रब्बे करीम से दुआ है कि हम तमाम को खैर के साथ अच्छे और भले काम करने की तौफीक बख्शे। हर तरह की बुराइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको बचाए। उम्मुल खबाइस से हमेशा हमेशा के लिए हम सबको निजात दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।